है कि दो पैरेलल प्लेट हैं और उनको पहले किसी कैपेसिटेंस से किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल किया है विद कॉन्स्टेंट सपोज K1 एंड D1। ये आपका पहले वाला अरेंजमेंट फर्स्ट केस। तो इसमें नेचुरल सी बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय D1 ओवर K1 कैपेसिटेंस। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यू अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर लेना इसके अंदर। सेकंड केस में कह रहे हैं कि इस प्लेट सेपरेशन को इंक्रीज किया गया है बाय इंसर्टिंग वन मोर डाई इलेक्ट्रिक। तो हमने इस प्लेट सेपरेशन को बढ़ा दिया है यहाँ पर, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक और डाल दिया, तो एक K1 हो गया और एक K2 हो गया, ये D1 और ये D2। मतलब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से जो K1 है वो 4 है और K2 की वैल्यू एज पर द क्वेश्चन K है जो कि निकालना है मुझे। क्वेश्चन के हिसाब से D1 जो है वो पहले वाला डिस्टेंस है जो कि 3 मिलीमीटर है और D2 बाद वाला डिस्टेंस जो ऐड किया है इसके अंदर वो है 5 मिलीमीटर। तो जो बाद वाला कैपेसिटेंस आएगा उसको अगर हम C' के नाम से लिखेंगे तो ये एप्सिलॉन K डिवाइडेड बाय D1 ओवर K1 प्लस D2 ओवर K2 सीरीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, सीरीज डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला लगा के, राइट। और वो कह रहे हैं कि जो बाद वाला कैपेसिटेंस है वो 1/2 ऑफ द ओरिजिनल है, दैट मींस उनका ये कहना है कि C' की वैल्यू C/2 के इक्वल है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन जो है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक सर्किट दिया गया, उसमें एक यहाँ पर वायर अटैच है और उसके साथ में यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है प्लस एक स्विच है इस तरीके से, और इसमें दो स्प्रिंग लगा रखी हैं या स्प्रिंग्स है, राइट। तो दो स्प्रिंग्स यहाँ पर लगा रखी गई है कॉन्स्टेंट के। अब इसमें ना कैपेसिटर को चार्ज दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैपेसिटर्स के जो वैल्यू है उसमें कुछ चार्ज है ऑब्वियसली, बट कितना चार्ज है ये तो पता नहीं है, कुछ चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है सॉरी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो है कैपिटल यू के बराबर, मैं उसको कैपिटल वी लिखता हूँ, उसको कैपिटल यू ही है। और इस वायर की कुछ लेंथ है, इसका कुछ मास है एंड वो सब दे रखा है क्वेश्चन में। होगा क्या कि जब आप इस स्विच को बंद करोगे, क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसके हिसाब से, जैसे ही अभी स्विच को बंद करेंगे तो ये कैपेसिटर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा बिकॉज यहाँ पर मेटल में कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो ये जब कैपेसिटर से डिस्चार्ज होगा तो एक करंट फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। और वो जो करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पर, ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो जैसे ही स्विच बंद किया कैपेसिटेंस की डिस्चार्जिंग होगी, एक करंट फ्लो करेगा, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स की वैल्यू आएगी और अगर आप ध्यान दोगे तो वो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आप IL×B वाले फॉर्मूले से निकालोगे। तो फोर्स जो लगेगा वो आई और एल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगा करके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब चेक करेंगे तो ऐसे करके फोर्स आएगा जो ILB होगा। अब जिसमें मेन पॉइंट है ना वो ये कहा गया है कि कैपेसिटर्स की जो डिस्चार्जिंग हुई है वो बहुत ही फास्ट हुई है, टाइम ऑफ डिस्चार्ज इज मच मच स्मॉलर देन द टाइम पीरियड। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जब डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होगी तो करंट विच इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, तो ये चीज क्योंकि बहुत फास्ट है मतलब डेल्टा टी बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब करंट काफी लार्ज प्रोड्यूस होगी इसमें, एक बहुत कम टाइम के अंदर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो एक लार्ज करंट जाएगी, और जब ये करंट लार्ज होगी तो करस्पॉन्डिंगली फोर्स भी काफी लार्ज आएगा, मतलब ये एक लार्ज फोर्स होगा फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, और लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम दैट मीन्स कि ये एक इम्पल्सिव फोर्स होगा, इम्पल्स वाली फोर्स बन जाएगी, और इम्पल्स वाली फोर्स बनने की वजह से इसके ये एक यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम
अगर हम वो फॉलो करेंगे तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के हिसाब से होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज द इम्पल्स, दिस चेंज इन द मोमेंटम. तो फोर्स इनटू टाइम मतलब आईएलबी और इनटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. इनिशियली वो रेस्ट पे है तो जो भी इसका फाइनल मोमेंटम है वही चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाएगा बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे. और करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट है करंट इनटू टाइम ये बाय डेफिनेशन चार्ज है. करंट इनटू टाइम चार्ज और चार्ज को हम कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं. तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या मिलेगी. वेलोसिटी हो जाएगी आई डेल्टा टी को चार्ज और चार्ज को हम कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एल इनटू बी और यहां से एम को नीचे लेके जाओ. तो जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे इमीडिएटली इस वायर में एक वेलोसिटी वी आ जाएगी, इमीडिएट वेलोसिटी वी आ जाएगी इसके अंदर इंपल्स की वजह से. और उसके बाद ये ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर देगा. अब एसएचएम में वेलोसिटी एट मीन पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है वेलोसिटी एट द मीन पॉइंट एसएचएम में दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. तो ये जो वेलोसिटी है सी वी एल बी ओवर एम इसको रखेंगे एम्पलीट्यूड और ओमेगा रूट ऑफ के बाई एम होता है. बट क्योंकि दो स्प्रिंग्स है पैरेलल में लगी हुई है तो इनका इफेक्टिव कॉन्स्टेंट 2 के हो जाएगा और यहां से हम इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं कितना होगा. ठीक है ये सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है तो उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं. कोई दिक्कत हो तो बता देना आपको. थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. फोर्थ भी फॉर्मूला बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करना है उसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 पोटेंशियोमीटर के ऊपर है, सिंपल सा क्वेश्चन है. उसमें यहां पर एक पोटेंशियोमीटर सेटअप दे रखा है प्लस यहां पर एक वायर है पी से लेकर के क्यू तक का और नीचे एक सर्किट है जिसमें यहां पर रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा रखा है, बगल में एक रेजिस्टेंस कैपिटल एक्स लगा रखा है और नीचे कोई सर्किट वगैरह है इस तरीके से. तो वो ये कह रहे हैं ना कि पहले पी को इससे कनेक्ट किया और पहले गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने यहाँ पर कहीं लगाया है ए पॉइंट पर और ये जे है तो इसमें बैलेंसिंग हो गई. ठीक है और वो बैलेंसिंग 10 सेंटीमीटर पे हुई है मतलब कि ये लेंथ 10 सेंटीमीटर की. तो हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जितनी लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो रहा होता है वो P से J वाली लेंथ है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर की लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैलेंस होता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे जो V by L, V is P और Q पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो P और Q पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ P से Q तक की दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय जितनी लेंथ पे वो बैलेंस हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर है. ये बराबर होता है पॉइंट पी का कनेक्शन जिस पॉइंट से है और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन जिस पॉइंट से है इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर. मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे. यहां से अगर कोई आई करंट आ रहा होगा मान लो और ये आई करंट यहां जाएगा फिर आई करंट यहां भी जाएगा तो देखिए इसमें तो करंट है नहीं, नो डिफ्लेक्शन का मतलब यहां पर कोई करंट नहीं है तो ये पूरा करंट आगे चला जाएगा इसमें. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस P से J है वो इसको अगर मैं M नाम दूं तो M और A के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा जो कि ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू R है. ये पहला वाला केस. उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका कनेक्शन चेंज कर दिया. ठीक है उस गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन इन्होंने पॉइंट A से हटा करके इधर पॉइंट C की तरफ कर दिया. कोई बात नहीं तो जब गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन पॉइंट सी की तरफ कर दोगे आप मतलब यहां पे कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर तो नाउ और ये लेंथ अब 30 हो गई तो अब पी से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ए बी अपॉन एल ए बी इंटू 30 अब ये किसके बराबर हो जाएगा एम से लेकर के सी तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एक्स के बराबर होगा. सो इट विल बी आई इंटू आर और प्लस एक्स ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे
डिवाइड करके और जो भी आपसे पूछा है वो आ जाएगा आराम से। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर है। इसमें एंड करेक्शन की वैल्यू होती है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2 एंड एंड करेक्शन इज 0.6 टाइम्स रेडियस। और L1 L2 आपके फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस की लेंथ होती है, फर्स्ट लेंथ और सेकंड लेंथ ऑफ रेजोनेंस। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सेवेंथ, ये LR सर्किट की एक प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक है, फिर सर्किट ड्रॉ कर लेते बता रहे आपको। देखो इसमें पहले तो ये स्विच खुला हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से ये स्विच पहले ओपन है, उसके बाद इसको बंद करेंगे। तो इन्होंने पूछा है और कुछ ऑप्शंस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इमीडिएटली। तो इसमें दो बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। इंडक्टर के केसेस में, इंडक्टर की जो बेसिक नेचर है, करेंट कैन नॉट चेंज सडनली, करेंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली कह सकते हो, मतलब मोमेंट अचानक से करंट नहीं बदलेगा, कुछ समय लगेगा उसको बदलने में। कैन नॉट चेंज एट एन इंस्टेंट, इंटरवल चाहिए उसको, मतलब दो कुछ सेकंड चाहिए, कुछ मिनी सेकंड चाहिए, कुछ माइक्रो सेकंड चाहिए, अचानक से करंट कम ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो इंडक्टर का ईएमएफ रहता है वो आप कहते हो माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो अगर करंट अचानक से बदल जाए, मतलब टी इक्वल टू 2 सेकंड्स पर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है और फिर 2 सेकंड्स पे ही, मतलब सेम मोमेंट पर, एट द सेम मोमेंट वो 5 की बजाय 6 एम्पियर हो जाए सेम टाइम पर, तो ये नहीं हो सकता ना। क्योंकि अगर सेम टाइम पर करंट चेंज हो जाएगा तो डी आई की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी, ये चीजें नॉन जीरो हो जाएगी और यहां पर जीरो रहेगा बिकॉज टाइम नहीं बदला। तो ऐसे में क्या होगा, नॉन जीरो बाय जीरो मतलब इनफाइनाइट ईएमएफ, तो पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट ईएमएफ किसी भी सर्किट में नहीं आ सकता। और कैपेसिटेंस के केस में कहा जाता है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, यूं कह लीजिए उसका जो चार्ज है, वो कैन नॉट चेंज एट एन इंस्टेंट। और ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो करंट होता है वो होता है डीक्यू बाई डीटी। सेम लॉजिक कि अगर टाइम चेंज ना करे और चार्ज चेंज कर जाए, टाइम चेंज ना हो और चार्ज चेंज कर जाए, तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट करंट सर्किट्स में नहीं आ सकते। तो इसी वजह से क्या होगा कि जैसे ही देखो इसमें कुछ करंट्स फ्लो हो रहे होंगे, राइट, मान लेते हैं कैपिटल आई का कुछ करंट जा रहा था, कैपिटल आई यहां से जा रहा होगा। अच्छा, कैपेसिटर की एक और प्रॉपर्टी है कि डीसी सर्किट्स में जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो यहां से करंट नहीं जाता। तो ये क्योंकि डीसी सर्किट है तो एक बार कैपेसिटर का पूरा चार्ज हो गया होगा तो ये करंट कैपेसिटर से जाएगा नहीं, यहाँ पर स्विच खुला हुआ है तो इससे भी करंट नहीं जाएगा, तो ये सारा करंट R3 से जाएगा। फिर यहां से फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे करके ये पूरी करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब जब हम स्विच बंद करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखो स्विच बंद करने के बाद में सेम डायग्राम में कलर डिफरेंट यूज कर लूंगा, आप समझ जाना। स्विच यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल सकता, अगर कैपेसिटर का चार्ज नहीं बदल सकता तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बदल सकती ना, बिकॉज चार्ज बराबर कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर चार्ज अचानक से बदलेगा नहीं, यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, और अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा अचानक से तो इसके पैरेलल में जो R3 लगा है यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस अचानक से नहीं बदल सकता, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों के वोल्टेज सेम होने चाहिए। तो इसमें अगर वोल्टेज इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता तो यहाँ पर भी वोल्टेज इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, और ओम्स लॉ के हिसाब से अगर इसका वोल्टेज इमीडिएटली चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर करंट भी इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। मींस स्विच बंद करने के तुरंत बाद भी यहाँ पर सेम करंट आ जाएगा,
अच्छा, अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी, इससे जो करंट जा रहा था वो भी अचानक से नहीं बदल सकता, यानी यहां से भी आपका सेम करंट आई फ्लो कर रहा होगा, ये भी नहीं बदल सकता। और इसके और R1 में सेम करंट जाना चाहिए बिकॉज बीच में कोई जंक्शन नहीं है। अगर यहां से यहां तक कोई जंक्शन नहीं है और इसमें करंट अचानक से बदल नहीं सकता और यही करंट इसमें जानी है, तो यहां पर भी करंट अचानक से नहीं बदल सकता। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास? R2। R2 में करंट अचानक से चेंज कर सकती है, क्योंकि तो यहां कोई ऐसा रीजन नहीं है जिससे हम ये कह पाए कि इसमें करंट नहीं बदलेगी। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन फेजर मेथड पे है, पैरेलल सीरीज LCR सर्किट्स है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है प्लस कैपेसिटेंस है, तीनों पैरेलल मिलेंगे और इनके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब जो करंट होगा यहाँ पर कैपेसिटर वाली ब्रांच में, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच की करंट हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाई XC। इंडक्टर वाली ब्रांच की करंट लिखोगे तो IL अपॉन वोल्टेज अपॉन XL, और इसमें जब करंट लिखेंगे तो ये वोल्टेज अपॉन R। बट ये मैक्सिमम करंट लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियसली मैक्सिमम करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट मैक्सिमम। अच्छा, अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन कुछ ये ले लेंगे V × sin ωt, वोल्टेज इज V या V0, तो यहाँ पर हम V0 यूज कर लेते हैं, तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर, अगर यहां पर करंट स्मॉल IC हो, यहां पर करंट स्मॉल IL हो और यहां पर करंट स्मॉल IR, किसी मोमेंट पर स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूं, कैपिटल I मैक्सिमम करंट को डिनोट कर रहे हैं और ये स्मॉल I किसी स्पेसिफिक टाइम T पर जो करंट इन तीनों वायर्स में फ्लो करेगी, और यहां से I करंट, तो किरचॉफ रूल के हिसाब से जो I होगा वो हमारा IR प्लस IC प्लस IL। अब क्योंकि वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, तो हम जो IR लिखेंगे ऑल्टरनेटिंग, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट को लिखने का सीधा तरीका है कि जो करंट रेजिस्टेंस में जाएगी उसका मैक्सिमम वैल्यू इनटू ऑल्टरनेटिंग होगा तो वो साइन ओमेगा टी होगा। कैपेसिटर में जब करंट लिखोगे तो उसकी मैक्सिमम करंट यानी कि V0/XC साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कैपेसिटर में करंट वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के लीड करता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज इससे 90 डिग्री ज्यादा होगा, मतलब यहां पर ओमेगा टी और प्लस 90 रखोगे करंट लीड करता है। और इंडक्टर में V0/L और साइन ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर में करंट लैग करता है वोल्टेज की फेज से, 90 डिग्री लैग करता है करंट का फेज, सो माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये बनेगा आंसर, ये टोटल करंट होगा, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो स्मॉल आई की वैल्यू बन जाएगी V0/R साइन ओमेगा टी और प्लस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बन जाएगा V0 और 1/XC माइनस 1/XL। और ये बन जाएगा cos ओमेगा टी, ऐसे बन जाएगा ये, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये इस टाइप का फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये चीज ऐसी है, इट इज लाइक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा ही लिखा जा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इस स्मॉल आई की जो मैक्सिमम करंट होगी वो लिखी जा सकती है रूट ऑफ ए की जगह हमारा हो जाएगा V0/R का स्क्वायर
और b की जगह लिख सकते हो v नॉट ओवर xc माइनस v नॉट ओवर xl एंड इसका स्क्वायर। आगे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया गया तुम्हें, लॉजिक ये लग जाएगा इसका। क्वेश्चन नाइन्थ में तो इसमें कह रहा है कि एक स्फीयर नीचे आ रहा है विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो अगर ये फॉलिंग फॉल्स एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर एक एमजी का फोर्स लग रहा हो और एक विस्कोसिटी की फोर्स आ रही हो, तो विस्कस फोर्स, तो ये दोनों बराबर होंगे। हमने बॉयंसी को नेगलेक्ट किया हुआ है, विस्कोसिटी और mg बराबर है, तो अब ये लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी इक्वल्स टू mg, बट विस्कोसिटी को 6 पाई ईटा rv भी होता है टेनिस में, स्टोक्स लॉ के हिसाब से 6 पाई ईटा rv, तो ये दोनों बराबर है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 6 पाई ईटा r इंटू वी बराबर m इंटू g। अब कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद रेस्टिट्यूशन आपको स्मॉल ई दे रखा है, स्मॉल ई रेस्टिट्यूशन, तो रेस्टिट्यूशन 1 बाई 2 है। इसका मतलब कोलाइड करने के बाद ये बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो वी बाई 2 हो जाएगी कोलिजन के बाद रेस्टिट्यूशन की वजह से। अब जब ये ऊपर जाएगा ना, तो इसके ऊपर एक विस्कोसिटी की फोर्स नीचे लगेगी, एफ विस्कोसिटी, इसको एफ डैश कह दे रहे हैं, बिकॉज विस्कोसिटी की फोर्स वेलोसिटी के प्रपोर्शन में, तो कोलिजन से जब वेलोसिटी चेंज करेगी तो साथ में विस्कस फोर्स भी बदल जाएगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी की फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होती है। तो अब जो विस्कस फोर्स आएगा वो आएगा 6 पाई ईटा आर, और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो वी बाई 2 है, और साथ में ग्रेविटी तो रहेगी। तो अगर 6 पाई ईटा आर वी एमजी था, तो ये चीज एमजी बाई 2 हुई था, ये पूरी वैल्यू mg by 2 होगी। इसका मतलब कि टोटल फोर्स जो लग रहा है इस टाइम पर, टोटल फोर्स वो हो गया mg plus mg by 2, यानी कि टोटल 3 mg by 2 का डाउनवर्ड फोर्स है, और 3 mg by 2 का अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो रिटार्डेशन अपने आप 3g by 2 हो जाएगा। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, अब आप लोग उसको फॉर्मूले से करोगे, मैं फॉर्मूले से तो नहीं करने वाला। देखो, जो लेंथ है उसकी वैल्यू है 5.0 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है इसका वो है 4.0 सेंटीमीटर, बट लेंथ के मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से की गई है उसका लीस्ट काउंट 0.1 है, तो वो मैक्सिमम एरर होगी, so it will be plus minus 0.1 centimeter, और डायमीटर का मेजरमेंट हम लोगों ने वर्नियर से किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, तो इसका मतलब ये चीज प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, वॉल्यूम है ना, जिसका फॉर्मूला होता है पाई डायमीटर स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ, तो इसकी ट्रू वैल्यू की बात करें, अगर इसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब यहां से अगर 5 और 4 लेकर के चले, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी ट्रू वैल्यू होगी 5 बाई 4 डायमीटर का स्क्वायर, यानी 4.0 का स्क्वायर और 5.0। लेकिन अगर एरर्स के साथ करा जाए, ये तो इसकी ट्रू वैल्यू है इंक्लूडिंग एरर, ये जो प्लस माइनस लिखते हैं ये रेंज ऑफ एरर होती है कि मैक्सिमम एरर जो हो सकती है उसकी वजह से लेंथ मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो आप रीड कर सकते हो वो 5.1 हो सकती है, और मैक्सिमम डायमीटर जो हम रीड करेंगे वो 4.01 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इंक्लूडिंग एरर्स क्या बन सकती है, देखो
एरर्स को काउंट करके इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाले अगर, तो वो बन सकती है पाई बाई फोर। मैक्सिमम डायमीटर कैन बी मेजर्ड एज 4.01 का स्क्वायर और मैक्सिमम लेंथ 5.1 का स्क्वायर। इतना मैक्सिमम वॉल्यूम मेजरमेंट की जा सकती है लीस्ट काउंट की वजह से। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस मतलब इन दोनों का, इसको मैं वी वन कर दे रहा हूँ, इसको वी टू कर दे रहा हूँ, तो दैट इज वी टू माइनस वी वन। और उसको हम वी वन से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही रखेंगे तो ये फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी ना, फ्रैक्शनल एरर। और अगर मैं इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो वैल्यू बन रही है ये कुछ बन रही है पाई अपॉन 4 इंटू समथिंग लाइक 80, और ये वैल्यू बन रही है पाई बाई 4। लेकिन अगर आप प्रॉपर कैलकुलेटर यूज करोगे तो यहां पर आएगा 82.0085 कैलकुलेटर यूज करके। ठीक है, ठीक है जी। देखो इतना बनेगा मैक्सिमम, जो हाईएस्ट पॉसिबल थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा तुम्हें। देखो राउंड ऑफ क्यों, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो प्रोडक्ट में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये चीज राउंड ऑफ करके अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.0085 के हिसाब से चलोगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। तो राउंड ऑफ करके ये जो वैल्यू बन जाएगी वो आपकी 82.1 के आसपास हो जाएगी। और फिर आप एरर निकाल करके परसेंटेज कैलकुलेट कर ले इसका, वो आ जाएगा लमसम 83% के आसपास राउंड। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो शायद 2.5 आएगा, इसका ध्यान देना। प्रॉब्लम नंबर 11 में इन्होंने एक ग्राफ दे रखा है जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से करके, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट यहाँ पर 4 है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो -3 वोल्ट। अब हमको याद करना पड़ेगा कि जो सैचुरेशन करंट होती है, सैचुरेशन करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच एफ अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने इंटेंसिटी को हाफ किया है, तो अगर इसको हाफ करते हो तो फिर ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 4 से 2 हो जाएगा। तो नया सैचुरेशन करंट तो 2 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, नया सैचुरेशन करंट 2 माइक्रो एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी डबल की है। तो अगर यहाँ पर डबल करोगे, इस चीज को डबल करोगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दे दो, इसको डबल करने से ये डबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें माइनस साइन भी लगा है। तो जो वी एस डैश होगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो ये 2 HF/E तो हो जाएगा, लेकिन साथ में -π0/E भी, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ -2 और +π0/E लिख सकता हूँ। तो इससे क्या बन रहा कि जो वी एस डैश है ये पूरी चीज आपकी 2 times of Vs और प्लस समथिंग, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो मोर देन डबल ऑफ Vs होगा। तो अगर वो -3 था तो उसका डबल -6, -6 से भी ज्यादा, मतलब नेगेटिव साइड पर, -6 से ज्यादा नेगेटिव साइड का मतलब -6.5 -6.7 ऐसे होगा, वो -6 नहीं होगा वो,
और इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर आइए 12th क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ क्वेश्चन में इन्होंने एक स्फीयर ले रखा है, उसके साथ एक चेन कनेक्टेड है, उसका कुछ मास और यूनिट लेंथ वगैरह सब दे रखा है, और ये पूरी चीज वाटर में सबमर्ज है। ठीक है, स्फीयर का मास m है और इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और ये हाइट h है। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, इसका मास m, हाइट h, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी 7। तो फ्लोट करने की जो कंडीशंस होती है उसके हिसाब से जितना मास जो बॉडी का वेट है, देखिए यहाँ पर स्फीयर भी फ्लोट कर रहा है और ये चेन भी साथ में फ्लोट कर रही है, तो टोटल मास जो आपका फ्लोट कर रहा है इनटू जी शुड बी बॉयंसी, राइट। अब मास जो फ्लोट कर रहा है वो तो स्फीयर का मास एम प्लस एच लेंथ की चेन का भी मास होगा, तो लैम्डा इंटू एच इंटू जी। अब बॉयंसी, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से बॉयंसी शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया गया है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो हमने यहाँ इस स्फीयर ने कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, चेन ने भी कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, तो स्फीयर ने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा वो हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये इसका वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज वाटर इनटू जी, ये स्फीयर की वजह से। और चेन ने भी कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, तो चेन ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा वो चेन के वॉल्यूम के बराबर ही होगा, जितना वॉल्यूम चेन का होगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम में चेन का भी कंट्रीब्यूशन है प्लस, तो चेन का मास लैम्डा इनटू एच, डेंसिटी इस चेन की, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द चेन, उसके बराबर पानी डिस्प्लेस होगा, तो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर और इनटू जी, बस ये इक्वेशन करके सॉल्व करना है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से 1/3 जो है वो डेंसिटी ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है, और 7 इज द डेंसिटी ऑफ चेन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इसको सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्टींथ का फिगर थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, उसको देख लीजिएगा, टॉप टेबल के ऊपर है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 14th क्वेश्चन इज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें अल्फा दिया है, कॉमन एमिटर का जो करंट गेन होता है, देखिए कॉमन एमिटर का सेटअप कुछ ऐसे होता है ट्रांजिस्टर का, यार ऐसे करके सर्किट दिखाती हूँ। अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो ये बेस वाला टर्मिनल यहाँ पर, कलेक्टर वाला टर्मिनल यहाँ पर, एमिटर वाला टर्मिनल, और इधर अगर NPN तो एरो ऐसे दिखाएंगे, ये NPN ट्रांजिस्टर, और बायसिंग के हिसाब से यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग होनी चाहिए कुछ ऐसे, और इधर कुछ रिवर्स बायसिंग होती है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी होता है प्लस कुछ ऐसे एक सर्किट दिखाते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो इसको हम VBB से डिनोट करते हैं, इसको VCC से डिनोट करते हैं, और प्लस इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। ये करंट आई एमिटर दिखाई जाती है, ये IB जो कि इनपुट करंट होता है, और IC जो कि आउटपुट करंट होता है, तो आउटपुट करंट IC, इनपुट करंट IB, तो जो करंट गेन होता है, करंट गेन कॉमन एमिटर में, वो हम डिनोट करते हैं बीटा से, और वो लिखते हैं IC अपॉन IB। और इन्होंने अल्फा दे रखा है, एक्चुअली अल्फा कॉमन बेस का होता है, जो कॉमन बेस वाले ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें करंट गेन अल्फा लिखते हैं, और वो होता है IC डिवाइडेड बाय IE। और अल्फा और बीटा में रिलेशन भी होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक्चुअली क्या होता है कि ये तीनों करंट आपस में रिलेटेड होती है, IC इक्वल्स टू IB एंड प्लस IE, सो वी कैन राइट IC इक्वल्स टू IB की वैल्यू IC डिवाइडेड बाय बीटा,
और IE की वैल्यू IC डिवाइडेड बाय अल्फा, तो आपको अल्फा गिवन है, बीटा निकाल दो इसमें से, IC कैंसिल हो रहा है, यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे पहले आपको बीटा निकालो कि बीटा कितना होगा, सो बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में मिल गई। और क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा है, ये जो रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर वाले साइड पर है, कलेक्टर वाले साइड पर ये रेजिस्टेंस 800 ओम है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट, तो ओम्स लॉ फॉलो करके हम आईसी भी निकाल सकते हैं, आईसी 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 800, तो मुझे आईसी की वैल्यू मिल गई। अल्फा और बीटा के रिलेशन का यूज करके, क्योंकि अल्फा दिया हुआ है तो बीटा भी आ जाएगा, सो आईसी मिल गया, बीटा मिल गया, तो आई भी निकाल सकते हैं, बेस करंट की वैल्यू यही पूछी है। ठीक है, फिफ्टींथ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें इन्होंने जो दिया है, जो लैंग्वेज है वो आप अपने आप पढ़ लो, क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास सभी के पास है, तो उसको पढ़ के देखो। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो देखिए, अगर कोई स्फीयर नीचे आ रहा है और कुछ उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब सीधा सा ये होता है बार बार की फोर्स बैलेंस करना होगा, तो इसका जो mg है और जो विस्कोसिटी की फोर्स है ये बराबर है, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये कहा गया है कि जो विस्कोसिटी की फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि आर स्क्वायर के, और वेलोसिटी की भी स्क्वायर पे, वी स्क्वायर पे, और टर्मिनल वेलोसिटी पर ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इसमें कुछ कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट के मान लेते, तो m into g should be equal to constant k into r square into v square, और mass volume into density, तो 4/3 pi r³ rho into g बराबर k r square into v। इसको पूरा देखेंगे तो velocity proportional है v square, sorry, तो v square proportional to r, यानी v is proportional to root of r, और इस हिसाब से दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो उनके रेडियस के स्क्वायर रूट पे चला जाएगा, वहां से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, यह है 15। 16 क्वेश्चन में इन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से कि एक मॉडल दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन इज थॉट टू बी अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टिंग सेल हो और उस पर क्यू चार्ज हो, तो उसका रेडियस आर हो, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 times r, सेल्फ एनर्जी के नाम से पढ़ते थे इसको। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। अब इसमें कैलकुलेशन करके अपना रेडियस निकाल लो कितना आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 17, इसमें कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियस एक्स है जिसका डिके वाई में हो रहा है और जेड में हो रहा है, वाई से और वाई जेड में जा रहा है, चेन रिएक्शन है, एक्स का डिके वाई में, वाई का डिके जेड में, और हाफ लाइफ दे रखी है इसकी, हाफ लाइफ है मतलब T1 मान लेते हैं और इसकी हाफ लाइफ T2। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जो Y है वो चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ Y न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो चेंज हो ही नहीं रहे, ये हम लोग नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये हार्डली चेंज हो रहा है, यानी ये कॉन्स्टेंट, जबकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसके न्यूक्लियस कॉन्स्टेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो x का डिके होगा, x का डिके, डिके ऑफ कैपिटल x, वो y के जनरेट होने का रेट है, डिके ऑफ x मतलब कि जनरेशन ऑफ y,
x का डिके होके ही y बन रहा ना, तो जिस रेट पर x डिके होगा उसी रेट से y बन रहा होगा, बट y खुद भी डिके हो रहा है, डिके ऑफ y मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस y का फॉर्मेशन भी कर रहे हो और न्यूक्लियस y का डिके भी कर रहे हो, बट अगर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब जिस रेट पर ये फॉर्म हो रहा है, मतलब कि रेट ऑफ जेनरेशन ऑफ वाई शुड बी सेम एज द रेट ऑफ डिके ऑफ वाई, और वाई का जेनरेशन रेट मतलब एक्स का डिके रेट, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स इज सेम एज द रेट ऑफ डिके ऑफ वाई, और रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ है उसके हिसाब से रेट ऑफ डिके लैम्डा इंटू इसके न्यूक्लियाई होते हैं, और ये चीज लैम्डा टू इंटू एन वाई हो जाएगी, और लैम्डा और हाफ लाइफ का रिलेशन, बिकॉज लैम्डा इज लॉग टू अपॉन द हाफ लाइफ, तो अब इन सब का यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ले जो बन रहा है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 18th और 19th जो है वो नहीं कर रहे डिस्कस, वो थोड़े से फॉर्मूला के ऊपर है, इनफैक्ट 20th भी डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ही सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं इनके, 21st में सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक बैटरी है प्लस इसके साथ है प्लस यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस C1 है एंड देन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और प्लस यहाँ पर कैपेसिटेंस C2 है, तो मैं भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखूंगा, न्यूमेरिकल आप लोग अपने आप देख लेना क्या बनता, बट कुछ ऐसे है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कोई एक स्विच लगी हुई है, मतलब ये कोई के पॉइंट है, तो होगा क्या फिनोमेना समझा दे रहे, न्यूमेरिकल कर लेना अपने आप यार, है ना। इसमें क्या है कि पहले हमने ये वाली स्विच बंद की है ए से के, मतलब यहाँ पर स्विच क्लोज है, तो जब यहाँ पर स्विच क्लोज करोगे तो पहले तो C2 वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, तो इसमें C2 की चार्जिंग हो रही है और इसकी जो चार्जिंग होगी उसके हिसाब से यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो जाएगा C2 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी स्टेट, जब फुल चार्ज हो जाएगा तो C2 इंटू ही यहाँ का चार्ज हो जाएगा, और ये स्विच क्योंकि खुला है तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, नथिंग, नो चार्ज। अब जब स्विच को ए से बी पर लाएगी ठीक है, स्विच को आप कहां ला रहे हो ध्यान से पढ़ना, स्विच को हम लोग ला रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर, क्या बन जाएगा यार स्विच जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाएगा तो बताओ, चलो क्या बन जाएगा देखो, चलो देखो एक्चुअली मैंने स्विच गलत बना दिया था, डायग्राम देखिए स्विच ऐसे बना हुआ था ऐसे, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, ये स्विच जो ए पॉइंट पे था उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम कि यहां से हटा करके इसको और स्विच को हम बी से कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो स्विच को जब बी पे लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे विद सम रेजिस्टेंस आर, तो इनके बीच शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी, जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो वो आपस में अपने चार्ज को शेयर करते हैं, तो यहां पर C2 और C1 कैपेसिटेंस और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा, क्योंकि जब हमने ये स्विच यहां लगा दिया मतलब बैटरी आउट ऑफ सर्किट है, तो अब जो सर्किट मेरे पास बचा है इसमें कोई बैटरी वगैरह है तो चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब जितना चार्ज C2 पर था
वो पूरा चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा चार्ज। मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज आया और यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पर जो चार्ज दिखाएंगे वो सी टू इंटू ई माइनस स्मॉल क्यू, बिकॉज टोटल चार्ज बदल नहीं सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज तो क्रिएट कर नहीं देंगे हम लोग, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, मतलब कि जब स्टडी स्टेट आ जाएगा, एट स्टडी स्टेट, तो कैपेसिटर से करंट फ्लो होता नहीं फाइनली, यानी स्टडी स्टेट पर यहां पर आई की वैल्यू जीरो होगी, मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हम लूप लॉ फॉलो करें, यहां पर अगर मैं इसका लूप लॉ फॉलो करता हूं, किरचॉफ लूप लॉ, तो आप डायरेक्टली देख करके लूप लॉ से अपने आप ये कह सकते हो कि Q by C1 की वैल्यू और C2 E माइनस Q अपॉन C2 बराबर होगा। तो इससे Q निकाल लेना, Q की क्या वैल्यू आती है ये निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, हीट लॉस जो होगा वो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियली यहां पे चार्ज नहीं था, चार्ज C2 के पास था, तो एनर्जी भी C2 के पास थी, वो होगा कैपिटल Q, मतलब कि और एनर्जी फॉर्मूला लगाएंगे Q स्क्वायर बाय 2C का, तो C2 के पास जो चार्ज है वो है C2E अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस माइनस फाइनली दोनों के पास चार्ज है, तो यहां पे जो चार्ज है वो है स्मॉल Q उसका स्क्वायर बाय 2C बन, और यहां पर जो चार्ज है वो है C2E माइनस स्मॉल की इसका स्क्वायर अपॉन 2C2। बट इसके पहले यहां से क्यू निकाल लीजिएगा, है ना, क्यू निकाल लेना, और फिर जब ये सारी वैल्यूज पुट अप करोगे तो आपका आंसर जो हीट लॉस का पूछा है वो आ जाएगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करके सारे आंसर आ जाएंगे। ट्वेंटी टू सिंपल है उसका शायद आंसर, प्रॉब्लम है 22 क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, 8 नहीं आएगा, बाकी वो सिंपल है, बीच में एक वीट स्टोन ब्रिज बना है वो आराम से किया जा सकता है। 23 वाला क्वेश्चन, उसमें कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, उसकी सर्टेन लेंथ वगैरह जो होगी, ठीक, और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि उसकी एक्सिस के पैरेलल है, ये मैंने क्वेश्चन में कहा है, जो सिलेंडर का एक्सिस है उसी के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ स्मॉल आर है, मतलब ये चीज आपको के इंटू आर दे रखी है, स्मॉल आर ये डिस्टेंस है एक्सिस से, फंक्शन ऑफ स्मॉल आर भी है, ठीक है। तो यार एक ओम्स लॉ होता है ना, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म विल से दैट करंट डेंसिटी जी इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस हिसाब से करंट डेंसिटी की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड के इनटू आर, एंड दैट मींस कि करंट डेंसिटी स्मॉल आर पे डिपेंडेंट हुई, करंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्मॉल आर है, और करंट डेंसिटी से करंट कैसे निकालते हो, तो करंट आई इज बेसिकली करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सम एरिया डीए और उसका इंटीग्रेशन, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा इसमें, तो डीए के लिए क्या करोगे, यहां पर एक डिफरेंशियल एरिया, यहां पर एक डिफरेंशियल एरिया मानेंगे जिसकी विड्थ डीआर होगी, तो ये जो डिफरेंशियल एरिया बनेगा ये 2 पाई आर डीआर हो जाएगा, तो हम पहले ये करंट फाइंड करेंगे जो डीआर वाले पोर्शन से जाएगा, जितना करंट डीआर के थ्रू जाएगा वो चीज आपका जे इंटू डी होगा, और उसको हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करके टोटल करंट निकालेंगे, तो टोटल करंट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे, और ये जो डीआर का एरिया बनेगा, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है डीआर विड्थ की, उसका एरिया 2 पाई आर डीआर, और इसका रेडियस, इसका लिमिट 0 से कैपिटल आर। इसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करिए और जो आंसर है वो आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके आंसर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, 24th,
24th में आपको एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, प्लस एक मास है, उसमें एक चार्ज है, उसको कुछ वेलोसिटी दी हम लोगों ने इनिशियली वी नॉट की, राइट, एंड ऑब्वियसली ग्रेविटी भी होगा। तो ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मास भी है, चार्ज भी है, तो होना क्या है इसके अंदर भी? ग्रेविटी की सॉरी इसे वेलोसिटी की वजह से तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा ना भाई। एक फोर्स ग्रेविटी का होगा नीचे mg, और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा qe का, तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स है, बट इस डायमेंशन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इनिशियल वेलोसिटी, अगर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात की जाए तो जीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, बट फोर्स दोनों डायरेक्शन में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड पे होगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से मूव करके वापस नहीं आ जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये वापस ग्राउंड पे आएगा तो ये कितना डिस्टेंस होगा, मतलब एक तरीके से रेंज कैलकुलेट कर दी। तो जो वर्टिकल डायमेंशन हुआ, वर्टिकल डायमेंशन की अगर हम बात करें, अगर वो उसी लेवल पे वापस आ रहा है जिस लेवल से स्टार्ट हुआ था, अगर वो उसी लेवल पे वापस आ गए सेम लेवल पे, तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ डी स्क्वायर। और अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात करें, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल साइड पे हो रहा है, मतलब कि रेंज इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि क्यूई अपॉन मास और इनटू टी स्क्वायर, ये करोगे। और वर्टिकल डायमेंशन में एक और ठीक है, इससे आप टाइम निकाल लीजिए, यहां से टाइम की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में रखो, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करो और आर की वैल्यू मिल जाएगी। ट्वेंटी फाइव, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको भी। इसमें कह रहे हैं कि एक स्टील वायर है, दो बॉल्स के बीच में क्लैंप है, ठीक है, और बाकी सब तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और एक लाइन लिखिए सेकंड में, इनिशियल द वायर इज जस्ट टॉट एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। 27.5 डिग्री सेल्सियस पर कह रहे हैं कि ये जस्ट टॉट का मतलब इसमें कोई टेंशन फोर्स नहीं होगी, मतलब कि ये अपने नॉर्मल लेंथ पे। अब देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, जब आप इस वायर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपेंशन एक फिनोमिना होता है, तो जब इसका टेम्परेचर हम हाई कर देंगे, हाई टेम्परेचर, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, मतलब मटेरियल्स का नेचर होता है एक्सपेंशन करने का टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। तो ये वायर अपनी लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा, बट वो इंक्रीज कर नहीं पाएगा क्योंकि दोनों तरफ वॉल है, तो मटेरियल एक्सपेंड होना चाहता है बट एक्सपेंशन हो नहीं पा रहा क्योंकि दोनों तरफ वॉल्स है। इसका मतलब ये वॉल मटेरियल एक्सपेंड होने से रोक रहे, जो इसको एक्सपेंड होने से स्टॉप करेंगे, और हम थोड़ा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे ना, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जिसको कि हम स्ट्रेस कहते हैं, इज यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होगा यहां पर, स्ट्रेन तो स्ट्रेन क्या होगा, देखो अगर ये वॉल ना होती, मानिए वॉल ना होती, तो अगर इसकी लेंथ एल है सपोज दैट, तो वॉल के एब्सेंस में अगर ये वॉल ना होती तो ये थर्मली एक्सपेंड कर चुका होता, और कितना बन गया होता, तो विदाउट वॉल रॉड वुड हैव एक्सपेंडेड, रॉड वुड हैव एक्सपेंडेड बाय एल अल्फा डेल्टा टी, इसमें डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर, इतना ये एक्सपेंड कर चुका होता।
लेकिन नहीं कर पाया, मतलब जितनी लेंथ उसकी बढ़नी चाहिए वो तो इसका मतलब इन वॉल ने, इन वॉल्स ने, समझ रहे हो आप, तो अगर यहां पर ये वॉल ना होती तो बड़ी हो चुकी होती ना, यहां तक आ चुकी होती, फैल चुकी होती, एक्सपैंड कर गई होती। इसका मतलब हम ऐसे भी तो मान सकते हैं कि वॉल ने इंक्रीज लेंथ को वापस रिड्यूस किया, जो लेंथ उसकी बढ़नी चाहिए थी उसको नहीं बढ़ने दिया, तो वॉल्स की वजह से इतना ही कंप्रेशन आया। तो कंप्रेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन होता है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, कितना कंप्रेस किया या कितना एलोंगेट किया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहां से हम फोर्स निकालेंगे, विच इज वाई ए अल्फा डेल्टा टी, और ये फोर्स बेसिकली टेंशन का काम करेगा। यहाँ हमने टेंशन को कैपिटल टी से इसने लिखा, बिकॉज कैपिटल टी हम यहाँ टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमने टेंशन को कैपिटल एफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो इसमें वेव सेटअप हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से इसके अंदर एक वेव आ रही है ना, और वो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव है, और थर्ड ओवरटोन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा बच्चा, देखो जो फ्रीक्वेंसीज होती है, मतलब स्टैंडिंग वेव की, स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसीज के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं अराउंड एन अपॉन टू टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू रूट ऑफ फोर्स बाय मास पर यूनिट लेंथ, है ना। ये होता है एक वायर, वायर या स्ट्रिंग में वेव की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, और मी होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, ये एक्चुअल में मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम एरिया और डेंसिटी से भी रिप्लेस करते हैं। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, इसको हम एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी भी कर सकते हैं, एरिया इनटू डेंसिटी। और ये थर्ड ओवरटोन है, इस पर ध्यान देना होता है। थर्ड ओवरटोन का मतलब एन की वैल्यू 4 ली जाएगी, थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक, एन बराबर 4। बाकी इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ कैलकुलेशंस बची है। यहां से एक स्फीयर को रिलीज किया क्वेश्चन के हिसाब से ये, और ये इस पॉइंट से एच डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, और ये बिना किसी एनर्जी लॉस के, वो सब लिखा है क्वेश्चन में, बिना किसी एनर्जी लॉस के रोल करता हुआ, मतलब नीचे आ रहा है लेकिन रोल करके आ रहा है, तो रोल करके वो यहां तक आ जाएगा, इस पॉइंट तक मान लो आ जाएगा, और इसकी कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कहीं पर कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो इसका मतलब यहां और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, बट क्योंकि ये रोल करके आया है तो इसमें ओमेगा भी होगा, तो यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब कि mgh, और यहां की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिसमें आई को 2/5 एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हो वी अपॉन आर का स्क्वायर। यहां से वी निकाल लीजिए कि वी की क्या वैल्यू होती है, और उसके बाद जब ये इस सरफेस को लीव करके एयर में होगा, जब ये एयर में हो जाएगा इन एयर, तो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, ओनली फोर्स विल बी एम जी, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पे होगी। तो जो एम जी इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, उसकी वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क आ ही नहीं सकता इसमें, और जब टॉर्क नहीं आएगा तो जो एंगुलर स्पीड है इसकी ओमेगा, वो मेंटेन रहेगी ड्यूरिंग मोशन, ओमेगा चेंज नहीं करेगा,
सिर्फ लीनियर स्पीड, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है ये ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से लीनियर स्पीड इसकी कम होती जाएगी, बट टॉर्क ना होने की वजह से ओमेगा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर भी इसका वही ओमेगा बचा रहेगा, मतलब कि सिर्फ लीनियर वेलोसिटी, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कम होती जा रही है, रोटेशनल वेलोसिटी एज इट इज है, यानी यू भी कह सकते हो कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह गई, जितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां थी उतनी ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर, बट यहां वाली जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हाइट के पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, और इसीलिए इक्वेशन क्या बनाएंगे मैक्सिमम हाइट पे जाकर के, एम जी इंटू वाई मैक्सिमम, उसको हम सिर्फ ट्रांसलेटरी एनर्जी लिखेंगे, ओनली ट्रांसलेटरी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब यहां तक तो उसने एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर की, बट वो एंगुलर वेलोसिटी आगे रिड्यूस नहीं हुई, सिर्फ ट्रांसलेटरी वेलोसिटी रिड्यूस हुई। ठीक है, क्वेश्चन 27 में क्या कहा जा रहा है देखिए, ये कह रहे हैं कि किसी 50 मीटर की हाइट से, ठीक है, फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर एक बॉडी को हम लोगों ने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और इसके प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका, तो ये प्रोजेक्टाइल करके नीचे आएगा, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम मान लीजिए टी सेकेंड्स का, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम को टी मान लो, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और अगर हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और ये कह दें कि इस टेंजेंट के साथ ही थीटा एंगल पर है और जी को रिजॉल्व कर लें, तो इसका एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर जी साइन थीटा, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ये कंपोनेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में है इसलिए इस कंपोनेंट को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेगी, और ये कंपोनेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो इसको कहोगे नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस द नॉर्मल कंपोनेंट, सो दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, इट इज टू टाइम्स नॉर्मल कंपोनेंट, एंड दैट मींस कि जो टेन थीटा हुआ वो हमारे लिए 1/2। ठीक, अब इसके अलावा एक और पॉइंट आएगा, इसमें देखो एक और पॉइंट क्या यूज करोगे कि जब हमने इसको थ्रो किया होगा 10 मीटर पर सेकंड से और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके आ रहा है, तो टी टाइम बाद, टी सेकंड्स के बाद इसके वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, लेकिन इसने एक वर्टिकल वेलोसिटी भी एक्वायर कर ली हो, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी आ जाएगी, और वो जी इंटू 10, मतलब जी की वैल्यू 10 और इंटू टी, ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा नेट वेलोसिटी वो होगी तो टेंजेंट की डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टेंजेंट के अलावा होती है, तो ये वेलोसिटी वर्टिकल से थीटा एंगल पर ही होगी, जो टेंजेंट का डायरेक्शन था थीटा उसी टेंजेंट के पैरेलल में वेलोसिटी आएगी, तो इस डायग्राम से टेन थीटा की जो वैल्यू बन रही है वो 10/10 इंटू टी बन रही है, और ये दोनों टेन थीटा आप इक्वेट कर दो सेम आंसर से आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
28th में यहाँ पर एक इंडक्टर है प्लस एक रेजिस्टर है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के लिए कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो के इंटू आई स्क्वायर है। कोई बात नहीं, देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, ये प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी, फिर ये आई करंट ये इधर चला गया और ये प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर नहीं लगाएंगे, सॉरी आई इंटू आर नहीं लिख सकते, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के इंटू आई स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहां पर लूप इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी लूप इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा, एल डी आई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू लूप इक्वेशन विल बी माइनस ऑफ के इंटू आई स्क्वायर। यहां का पोटेंशियल आई इंटू आर नहीं लिखना, क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के आई स्क्वायर, और यहां से डी आई अपॉन आई स्क्वायर इज माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करो जीरो से टी तक। यहां पर इनिशियल करंट आई वन से फाइनल करंट आई टू, ये सब न्यूमेरिकल में दिया है, सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। नॉट 29 यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है सोर्स, ये कोई एक ग्लास है जो कि पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहां पर एक मिरर है, ये डिस्टेंस ए है ये डिस्टेंस बी है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इमेज जो है एक इमेज इस ग्लास के पार्शियल रिफ्लेक्शन से आ रही है, मतलब कुछ ऐसा कि कोई रे डायग्राम गया होगा, कोई रे ऐसे गई होगी वो यहां से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है, पूरी नहीं पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके पार्शियल रिफ्लेक्शन से मतलब यहाँ की जो रे पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है उससे बैक साइड पर एक इमेज बन रही होगी यहाँ पर, हालांकि इमेज एक सिंगल रे से नहीं बनती है, तो एक रे वो होगी जो बिल्कुल सीधे जाएगी, वो हमने ड्रॉ नहीं की है, मतलब एक रे हम ऐसे भी दिखा सकते थे जो बिल्कुल सीधे जाएगी, तो उस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो यहां कहीं पर एक इमेज बन गई, इमेज बन जो इसके पार्शियल रिफ्लेक्शन है, और क्वेश्चन मैंने ये भी कहा है कि ये बहुत थिन है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, थिन होने की वजह से लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो ये रे आगे कंटिन्यू कर जाएगी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो रे आगे चली गई, अब उसकी एक मिरर से इमेज बनी, ठीक है डायग्राम को सही करना होगा यार मुझे, तो मतलब यहां पर देखो दो चीजें हो रही है, ग्लास प्लेट पर लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा, पार्शियल पार्शियल रिफ्लेक्शन, और बाकी ट्रांसमिट हो गया, तो जो ट्रांसमिटेड रे है वो इस यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और जो पार्शियल रिफ्लेक्टेड रे है वो ये है, इससे जो इमेज बन रही है और इससे जो इमेज बन रही है वो दोनों सेम पॉइंट्स पर बन रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। ठीक है, तो हम इसको बैक साइड एक्सटेंड करके कहीं दिखाते हैं, वो इमेज मान लो पीछे कहीं बन रही होगी, यहाँ कहीं पर कहीं भी बन रही होगी, और यहां से जो लाइट स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होगी क्वेश्चन के हिसाब से वो भी उसी पॉइंट पर इमेज बना रही है, दोनों की इमेज सेम पॉइंट पर बन रही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहां जो पार्शियल रिफ्लेक्शन से इमेज बना होगा ये तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, यानी कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये पूरा डिस्टेंस ए बन रहा होगा, और यहां पर ये डिस्टेंस ए माइनस बी भी होगा। अगर आप स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला मिरर इक्वेशन, ठीक है, तो
तो मिरर इक्वेशन के हिसाब से विच इज वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो इसकी जो इमेज है वो मिरर के राइट साइड है ए माइनस बी डिस्टेंस पे, तो वन अपॉन यहां लिखेंगे ए माइनस बी और एज पर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव बिकॉज इमेज मिरर के राइट साइड है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर इज दिस वन विच इज ए प्लस बी बिहाइंड द मिरर, सो यहां माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू वन ओवर इसकी फोकल लेंथ। आगे कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। और लास्ट 30th क्वेश्चन, उसमें यहां दो वॉल है, मतलब एक वॉल है जिसमें दो लेयर्स है, वॉल हैज टू लेयर्स, तो ये लेयर ए है ये लेयर बी है, उनकी थिकनेस सेम है, मतलब ये अगर डी है तो ये भी डी है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अगर के है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो वॉल बी है वहां का टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है 36 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर डिफरेंस पता नहीं कितना है, अननोन है, बट क्योंकि ये सीरीज में है ना तो रेट ऑफ हीट फ्लो एच डी क्यू बाई डी टी वो सबके लिए सेम आएगा, जिस रेट पर हीट यहां जाएगी उसी रेट पर हीट यहां भी जाएगी, उसी रेट पर हीट यहां भी जाएगी, हीट के फ्लो करने का रेट सेम होगा, और जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है डी क्यू बाई डी टी उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन द लेंथ। तो अगर हम वॉल ए के लिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो कंडक्टिविटी 2K एरिया ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द लेयर ए अपॉन लेंथ, और यहां पर इसके लिए लगाएंगे तो टेम्परेचर इसके लिए कंडक्टिविटी के एरिया ए टेम्परेचर डिफरेंस 36 अपॉन लेंथ, इससे डेल्टा टी ए निकालो कितना आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक पेपर, दूसरा पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं।